हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th। सो सबसे पहले ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। सो द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द पॉलीनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, 2x² + 9x + 8 = 0। In this equation, the highest power is 2. So the degree of this equation is 2. That is why it is a quadratic equation. So in this chapter, the content is how can we solve the quadratic equation. So in this chapter, we will learn how can we solve quadratic equation. So there are 3 methods to solve quadratic equation. The first one is factorization method, the second one is completing the square method, and third one is quadratic formula. So let's start exercise 4.1, question number 1. In question number 1, check whether the following are quadratic equation or not. तो हमको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम चेक करेंगे क्या इसका डिग्री 2 आ रहा है कि नहीं। अगर इसका डिग्री 2 आ गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। x + 1 होल स्क्वायर 2x - 3। सो x² + 1 + 2x = 2x - 6। x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0। अब x² उसके बाद 2x कैंसल आउट, 6 + 1 = 7। तो ये हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है। तो देखने पे पता चलता है कि इसकी डिग्री क्या है, 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 मिल रही है तो यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।